ये हारिस रॉफ ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोला है कि पाकिस्तान फाइनल में होगी, बाकी जो मर्जी हो जाए, फाइनल में जो मर्जी आ जाए। कहां से लग रहा है इनको? इस वक्त हारिस रॉफ का इंटरव्यू जिन्होंने एक बेबाक बहुत ज्यादा बोल्ड स्टेटमेंट्स दी हैं, थोड़ा सा जो है अपना बढ़के कम मारा। फराज हारिस की इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉन्फिडेंस बहुत था भाई। एशिया कप से पहले बाबर ने क्या बोला था? वी वॉन्ट टू विन एशिया कप, वी वॉन्ट टू विन वर्ल्ड कप। श्रीलंका इज आवर सेकंड होम। हम तो एशिया कप भी जीतने आए हैं, हम तो वर्ल्ड कप भी जीतना हमारा गोल है। और अफगानिस्तान से जीत के बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, पता नहीं क्या ही हो गया था। नंबर वन साइड हम बन गए, नंबर वन का केक भी काट लिया। हारिस रॉफ ने सभी क्वेश्चंस को वहां पर टैकल करते हुए कहा है कि भाई हमें फर्क नहीं पड़ता बाहर से आप लोग क्या बोल रहे हैं, जो हमारी ओपोजिशन क्या सोच रही है, हमारे प्लान्स क्लियर हैं। जब उनसे टॉप चार की बात भी पूछी तो उन्होंने कहा हमें ये नहीं पता बाकी के तीन कौन है, हम चार भी हैं और हम फाइनलिस्ट भी हैं। उन्होंने ये कह दिया हम फाइनल खेल। रॉफ ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोला है कि पाकिस्तान फाइनल में होगी, बाकी जो मर्जी हो, सेमीफाइनल में जो मर्जी आ जाए। कहां से लग रहा है इनको? सबसे पहले हारिस रॉफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे शुरुआत में पूछा गया कि नसीम शाह को इंजरी हो गई है और नसीम शाह की इंजरी के बाद जो बाकी के बॉलर्स हैं, क्योंकि शाहीन शाह, अफरीदी, हारिस रॉफ, नसीम शाह, इन तीनों का एक बहुत बेहतर कॉम्बिनेशन बन गया था, इसको लेकर उन्होंने कहा वी बैक ईच अदर एंड नो ईच अदर्स गेम। एंड नहीं, आपको शॉर्ट में लिखा है, एक्सप्लेन करके आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कोई बात नहीं, नसीम शाह इंजर्ड हो गए, ये टीम के लिए झटका जरूर है, लेकिन हम बाकी जो बॉलर्स हैं काफी लंबे अरसे से एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, हसन अली भी जो है वो एक तरह से मैच विनर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, ये काफी बेहतर रहा। बोले कि ऑन बॉलर्स आफ्टर नसीम इंजरी वी बैक ईच अदर नो ईच अदर्स गेम, ठीक है, ऑन गेम वर्सेस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मिसिंग अग्रेशन, बोलने के पहले जो झपियां वपियां होती है वो क्यों होती है, उंगलियां खुद दिखाते हैं, उंगलियां खुद दिखा रहे। तो बोले लड़ाई कर रहे इंडिया के साथ, कोई जंग थोड़ी ना लगी हुई है, होता है अग्रेशन और हमारे में बिलीफ है टीम में, जब तक ये है कोई मसला नहीं है, मतलब कि जब तक हम बिलीफ है हमारे में कोई मसला नहीं है। लेकिन उन्होंने ये बोला कि इन्होंने ये प्रेडिक्ट करा है कि पाकिस्तान फाइनल खेलेगी। हाँ, वो अगले में आ रहा है दिखाइए कि भाई हम फाइनल खेलेंगे, हमें नेक्स्ट में ले जाना। हारिस रॉफ, अकॉर्डिंग टू हारिस रॉफ, पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रही है। अच्छा, ये वही शख्स है जिन्होंने पहले एशिया कप में बोला था कि मैं मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनना चाहता हूँ। हाँ, इंजर्ड हो गए, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इंजर्ड हो गए, अलग बात है। तो उससे पहले परफॉर्मेंस उतनी खास नहीं थी भला। हाँ। बिग मैच सबसे पहले फिर उनसे पूछा गया ऑन बिग मैचेस बोलर्स डोंट परफॉर्म, मतलब जो बड़े अच्छा मैच होते हैं, जब पाकिस्तान जैसे सुपर फोर का वो जरूरी मैच था, बॉलर्स नहीं चले, खुद इनको वर्ल्ड कप में उस टाइम पे वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में दो छक्के मार गए, उसको लेकर इनसे पूछा गया था कि भाई आपको बड़े मैचेस में बॉलर्स की पिटाई हो जाती है, तो इन्होंने बोला अप्स एंड डाउन्स इन गेम्स, वी परफॉर्म एज अ यूनिट एवरी टाइम, गिव 100%। अप्स एंड डाउन्स जो है हर एक गेम के पार्ट एंड पार्सल है, कभी आप तो देखते कि कोई चीज हमारे पक्ष में रहती है, कोई चीज नहीं रहती है, और हम जो है लेकिन हम हमेशा, भला वो हमारे लिए पहला लीग मैच है या फिर आखिरी लीग मैच है या फाइनल है सेमीफाइनल है, हम उसमें अपना 100% देते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो वर्ल्ड कप है उसको उसमें टीम का गोल किया, उन्होंने बातों की बातें कही है कि भाई सबसे पहले जो हमने शायद पहले ही गलतियां की वो नहीं करनी है, अब हमें एक इंडिविजुअल के बतौर नहीं सोचना, हमें टीम के बतौर सोचना है, अगर हर इंडिविजुअल टीम के लिए पहले सोचेगा, खुद के बारे में बाद में सोचेगा, उसके बाद ही जो टीम है वो बेहतर परफॉर्म करेगी। उसके बाद अगली और सबसे बड़ी बात इस पूरी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब उनसे पूछा गया कि भाई आपके हिसाब से टॉप फोर में कौन होगी, इन्होंने किसी टीम का नाम नहीं लिया, इन्होंने बस ये कहा वी आर गोइंग टू प्ले फाइनल, कोई भी सेमीफाइनलिस्ट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बड़ी बात है। बातों की बात, इनसे पूछा कि भाई टॉप चार बताओ, अच्छा मतलब हम फाइनल में आ रहे हैं। अच्छा, इन्होंने बोला, इनसे पूछा कि टॉप फोर बताओ, तो उन्होंने बोला कि टॉप फोर हमें नहीं पता कि टॉप फोर क्या होगा, और फर्क भी नहीं पड़ता कि चाहे इंग्लैंड आए, ऑस्ट्रेलिया आए, इंडिया आए, साउथ अफ्रीका आए, न्यूजीलैंड आए, कोई भी हो गया ना, कोई भी हो गया भाई, इनके अलावा तो कोई होगी नहीं। अब हो सकता है भाई बांग्लादेश, श्रीलंका आए, अलग बात है, नीदरलैंड आ जाए पाकिस्तान पर आके, अलग बात है। लेकिन तो ये हारिस रॉफ ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोला है कि पाकिस्तान फाइनल में होगी, बाकी जो मर्जी हो, सेमीफाइनल में जो मर्जी आ जाए। कहां से लग रहा है इनको ये, जहां से कहां से लग रहा है, से लग रहा है? मैं ये जैसे ये पहले उंगलियां दिखा रहे, इतनी कुटाई के बाद ईशान किशन ने जब इतनी धुलाई और कुटाई करी थी, और उसके बाद उंगलियां दिखाने के बाद भी जब हार्दिक ने तीन चौके मार दिए थे, तब भी टेपिया भाई को समझ में नहीं आ रही कि क्या कहते हैं कि थोड़ा सा जो है अपना बढ़के कम मारा। फराज हारिस की इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉन्फिडेंस बहुत था, कोई मतलब इन प्लेयर्स एक अब्दुल्ला शफी का यहाँ भी दे आए हैं, लक्ष्य देख मेरे को कॉन्फिडेंस की बात अलग है, कॉन्फिडेंस इनमें एशिया कप में नहीं था आने से पहले, अरे था लेकिन आपको नहीं, नहीं एशिया कप से पहले खेल के उठ रहे थे भाई, एशिया कप से पहले बाबर ने क्या बोला था, वी वॉन्ट टू विन एशिया कप, वी वॉन्ट टू विन वर्ल्ड कप, श्रीलंका इज आवर सेकंड होम, श्रीलंका इज आवर सेकंड होम, आर साइड इज लुकिंग सेटल्ड, सब कुछ बोला था।
इंक्लूडिंग इन सब ने बोला था। साथ हो भाई पाकिस्तान की टीम का प्री डिपार्चर जो आप इंटरव्यूज देख रहे हैं बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं इस वक्त, हारिस रऊफ का इंटरव्यू जिन्होंने एक बेबाक बहुत ज्यादा बोल्ड स्टेटमेंट्स दी हैं, और कहीं ना कहीं जितना भी अभी पाकिस्तान क्रिकेट में डिबेकल हमें देखने को मिला है, चाहे वो खिलाड़ियों के बीच रिलेशंस के आप कह सकते हो मतभेद सामने आना, या फिर हम एशिया कप में आप कह सकते हैं कि फाइनल तक ना जा पाना एक फेलियर रहा एशिया कप, उन सभी चीजों को एड्रेस करा है। और ये तो भाई देखो गिवन सा फैक्ट था कि उनको ये हार्ड सवाल, ये कठिन कठोर सवाल वहां पर फेस करने थे, लेकिन जिस बोल्ड तरीके से हारिस रऊफ ने सभी क्वेश्चन को वहां पर टैकल करते हुए कहा है कि भाई हमें फर्क नहीं पड़ता बाहर से आप लोग क्या बोल रहे हैं, जो हमारी ओपोजिशन क्या सोच रही है, हमारे प्लान क्लियर है। जब उनसे टॉप चार की बात भी पूछी तो उन्होंने कहा हमें ये नहीं पता बाकी के तीन कौन है, हम चार भी हैं और हम फाइनलिस्ट भी हैं, उन्होंने ये कह दिया हम फाइनल खेल रहे हैं, वो इतने कॉन्फिडेंट वहां पर नजर आए। और कहीं ना कहीं सभी इश्यूज को वहां पर एड्रेस करा उन्होंने, टीम की अगर बात की जाए कितने कॉन्फिडेंट है, नसीम पर बात की कि भाई नसीम पर उन्होंने आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ही ऑपोजिट स्टेटमेंट वहां पर दिए कि मतलब नसीम के होने से मतलब वो नहीं है, चलो एक झटका तो होता है टीम के लिए, लेकिन कोई भी नर्व शो नहीं करी है वहां पर हारिस रऊफ ने, उन्होंने कहा ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, नसीम जैसा मैच विनर अगर टीम में नहीं है तब भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास और क्वालिटी ऑप्शन है। हसन को उन्होंने कहा कि भाई हसन अली आपके पास है, वो भी एक क्वालिटी फास्ट बॉलर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, वो होप कर रहे हैं कि हसन अली वो वहां पर